हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो आपका इस न्यू चैनल ए टू जेड स्टडी 2.0 पर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगातार क्लास चलेगा, ठीक है। एक दिन में कोशिश करूंगा 3 क्लासेस मिनिमम आए, बिकॉज इसकी सिलेबस थोड़ी सी बड़ी है। पहले देखो ना, लाइव क्लासेस नहीं, पहले रिकॉर्डेड में आके मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते जाऊंगा। जैसे हिंदी अभी जो है पर्यायवाची शब्द, इसका इंट्रो है, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट कल से एक वीडियो के अंदर आपको 100-150 पर्यायवाची शब्द करा दूंगा। फिर एक पार्टिकुलर वीडियो आएगी, 100-150 आपका विलोम शब्द करा दूंगा, मुहावरे करा दूंगा इस तरीके से। फिर हम लोग ग्रामर हिंदी पढ़ेंगे, इसके बाद अलावा मैथ भी है पढ़नी, इसके अलावा अपने को इंग्लिश भी पढ़नी है, साइंस जीके भी पढ़नी है, तो सब चीज़ों को पढ़नी है। तो पहले रिकॉर्डेड चीज़ें मैं डाल देता हूँ, बाकी जैसे रिकॉर्डेड आपका 15 दिन लगेगा, रिकॉर्डेड में पूरा लगभग मैक्सिमम सिलेबस कवर करा के मैं लाइव में बस प्रैक्टिस कराने आऊँगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ो और बिहार पुलिस एग्जाम तक बने रहो ए टू जेड स्टडी 2.0 के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज का जो पर्यायवाची शब्द होने वाला ना, पर्यायवाची शब्द, वो थोड़ा सा मजा आने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि ये अलग लेवल का होगा, हम लोग फोटो के साथ साथ पढ़ेंगे। पहला पर्यायवाची शब्द क्या है? आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैंने ये क्लासेस लाया है, बट आगे से जो चीज़ें आएंगी उसमें एक क्लास में 150-200 कम से कम क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची हो चाहे विलोम हो चाहे मुहावरे हो। पर आज मैंने जो पर्यायवाची लाया वो मिक्स है, बट नेक्स्ट से वो जैसे होता है ना कि हम लोग इस तरीके से वर्णमाला के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि पढ़ने में समझने में आसानी हो। और सारी पीडीएफ्स को, जितनी भी क्लासेज हो रही है फ्री में, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और क्विज चलेगा ग्रुप में, ठीक है। अभी आ जाओ, हम लोग बात कर रहे होंगे अपने पर्यायवाची शब्द में। सबसे पहले अपना मान लेते हैं हवा है, ठीक है, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, तो इसका पर्यायवाची बता दो क्या होता है। अब फोटो के माध्यम से समझ में आएगा या आपको याद करने में आसानी होगा। अच्छा, पढ़ने में पीडीएफ से मन लगता है, ऐसे फोटो वोटो रहता है, तो हवा का क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो पवन। अब पवन तो याद करने के लिए आपको आसान है, पवन सुत हनुमान, तो हनुमान जी उड़ते थे तो हवा में उड़ते थे, तो पवन सुत हनुमान कहा गया। वायु, ठीक है। अब जो समीर है, हवा को भी समीर कहा जाता है, समीर और अनिल, ध्यान देना, दो लड़कों का नाम है, तो आप याद करोगे समीर और अनिल क्या करते थे, उड़ा करते थे, ऐसे ही रिलेट करो। हमारे क्लास में दो लड़के थे, समीर और अनिल, लगता था कि वो उड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके रिलेट करो, बकवास करो, रिलेट करो और याद करो, बात यही है। कोई भी चीज़ को ना ट्रिक मत बनाओ, बस बकवास के थ्रू उसको याद कर लो, क्योंकि हम ज़्यादातर बकवास ही पसंद करते हैं। वहीं पर वात, ये भी सिनोनिम है, सॉरी पर्यायवाची शब्द है हवा का। बयार, ठीक है, कहते हैं ना कि भोजपुरी में फगुनी बयार, वही बयार, ठीक है, हवा। प्रकंपन, समी, ये सभी चीज़ें क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कह देगा बताओ हवा का एक पर्यायवाची क्या है। आपको ऑप्शन में रहेगा बयार, 3 और ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ध्यान में रहेगा, हमने तो समीर पढ़ा, वायु पवन पढ़ा, इसीलिए कुछ चीज़ें जो पूछी जाती है बयार, वो भी हवा का एक पर्यायवाची शब्द है। तो ये सब आपको याद करना है, इसकी पीडीएफ मैं आपको देते जाऊँगा। सेकेंड वही पे मैं कहूँ सांप, ठीक है, सांप का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो बहुत सारे होते हैं। पहला तो सर्प, ठीक है, अगर मैं कहूँ नाग, तो नाग देवता तो समझ में आ रहा है, सांप है। विषधर, तो हम लोग जनरली सांप को ही जानते हैं ना कि विष होता है सांप में, वैसे तो सब बहुत सारे कीटों में भी होता है, बट मेनली हम यही जानते हैं कि सांप में क्या होता है, नाग में क्या होता है, विष है, डस लेगा तो कहानी खत्म, ठीक है। इसके अलावा 3 चीज़ें आसान है याद करना, इसके अलावा व्याल, भुजंग, उरंग, ये 3 चीज़ें हैं, व्याल, भुजंग, उरंग, सांप को ही कहा जाता है। अही, सांप को पन्नग, ठीक है, पन्नग भी कहा जाता है सांप को, नग मतलब नाग टाइप का बोलने में आ रहा है, तो याद करोगे पन्नग भी है या फिर पन्नग या फिर नाग, ऐसे बोलने में एक जैसे लग रहे, दोनों सांप को ही कहा जाता है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और याद करते रहना है। आगे देखो, जंगल, जंगल का फोटो देख रहे हो, ये जंगल का पर्यायवाची, अब देखो ये होता है वन, सबको पता है वन, ठीक है, वन के अलावा कानन, ठीक है, कानन का मतलब होता है जंगल। आगे है बीहड़, कहते हैं ना कि बीहड़ जंगल था, मतलब बहुत ही घना जंगल था, तो वही बीहड़ है, जंगल को ही कहते हैं। विटप या फिर विपिन, इन सब का मतलब होता है जंगल, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। या फिर इसको उपवन भी कह सकते हो, बाघ भी कह सकते हो, तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको बाघ नहीं देगा, बाघ मतलब बगीचा, उपवन नहीं देगा, उनको पता है कि सारे लोग आंसर करेंगे, ये दे देगा, कानन दे देगा, बीहड़ दे देगा, बिटप दे देगा, विपिन दे देगा, बिकॉज बहुत लोगों को ये सभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं,
आपको ध्यान में रखना है इन सभी चीजों को, ठीक है। इसके अलावा घर, अभी एक दिन में ना दो दो तीन तीन सौ नहीं याद रखना है, एक दिन में 10 से 15 याद रखो, दो महीने में कम से कम आप 600-500 याद कर लोगे, ठीक है, जो सफिशियंट है, कहने का मतलब पर्याप्त है उतना याद करना। घर का क्या हो जाएगा बताओ, पहला तो गृह, भवन, भवन ऑप्शन में नहीं है फिर भी समझ में आएगा, भवन, सदन, आवास, ये चीजें तीन, और एक मैंने भवन बोला, ये सभी चीजें आप जानते हो, निवास ये भी जानते हो, आलय, आलय नहीं जानते थे ना, देखो हम लोग पढ़े हैं विद्यालय, जहां पे विद्या रहती है, विद्या जहां से प्राप्त की जाती थी उसको विद्यालय कहते थे, विद्यालय मतलब वहां से विद्या, विद्या का निवास है, लेकिन हम आलय कह रहे हैं मतलब वो निवास स्थान, ठीक है, विद्या जोड़ दिया, विद्या का निवास जहां पे विद्या निवास करते तो विद्यालय, लेकिन हम सिर्फ आलय बोले तो निवास स्थान जहां पे रहा जाए, अब निवास को कहते हैं घर, ठीक है। इसके अलावा गेहूं नहीं है गे, ठीक है, निलय और मंदिर, मंदिर में कौन रहते हैं, भगवान, लेकिन भगवान तो ठीक है, घर में भी रहने वाले लोग भगवान ही होते, बिकॉज हर इंसान के अंदर आत्मा और आत्मा भगवान ही एक तरीके से, तो मंदिर भी कहा जाता है घर का सिनोनिम से या फिर पर्यायवाची शब्द, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चलो, अमृत, अमृत का मतलब तो सबको पता है सुधा, ठीक है, पहली तो होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है इसका पर्यायवाची, आपको कैसे लिखना है, तो आपको एक बार मैंने कह दिया वीडियो को रोको, ठीक है, जो आपने सुन लिया, अब आपको क्या करना, थोड़ा सा पीछे करोगे तो ये सभी चीजें हट जाएंगी, एक बार पीछे की तरफ स्किप करोगे, आप वीडियो को रोकोगे, आप लिखोगे अमृत, जो जो चीजें मैंने बोला आप कॉपी पे या फिर रफ के लिख, रफ पर लिखो, ऐसे करोगे दो बार तीन बार तो आपको याद हो जाएगा, या फिर पीडीएफ से लिखो अमृत और उसका जितना पर्यायवाची है शब्द खुद से लिखो, ऐसे करके याद हो जाएगा जल्दी से आपको। असुर, असुर का मतलब समझ में आ रहा है, राक्षस, दानव, दैत्य, ये सभी चीजें जो है ना आपको समझ में आना चाहिए, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुज, यतुधान, निशिचर, रजनीचर, ये सभी चीजें क्या है, एक पर्यायवाची है इस दानव के, दिख रहा है दानव, इसमें हॉलीवुड वाला दानव है, ये बॉलीवुड वाला दानव नहीं है, बॉलीवुड का दानव अलग होता है और हॉलीवुड का दानव अलग होता है, तो ये सभी चीजें जो है ना दानव है, ठीक है, राक्षस है, असुर है, ओके। आगे चलो, अग्नि, आग को क्या क्या बोल सकते हैं, अब एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसमें आग तो सबको जानता है, अनल, अनल और अनिल में क्या फर्क है, अनिल हम लोग हवा को कहते हैं, अनल हम लोग आग को कहते हैं, तो अनल और अनिल में समझना अंतर। पावक, पवन कहते हैं हवा को, पावक कहते हैं आग को, वाहिनी, ठीक है, इसका मतलब होता है आग, तो ये सभी चीजें आग के मेन जो है पर्यायवाची शब्द है जहां से सवाल बनते हैं। इसके अलावा अश्व, ये जो घोड़ा है वो कैसा है, बड़ा प्यारा है, तो घोड़ा का क्या क्या बनेगा, घोड़ा का तो ठीक है, अश्व का तो घोड़ा बना है, ये भी बनता है। तुरंग, देखो भुजंग कहते थे हम लोग सांप को, तुरंग कहते हैं हम लोग घोड़ा को, ठीक है। वाजी, घोटक, सैधव, ये सभी के सभी क्या है, इनके सिनोनिम है, ये चीज आपको ध्यान, सॉरी इनके पर्यायवाची शब्द है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे आकाश, ठीक है, जो खुला आसमान दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आसमान मैंने बोला, ये चीज आपको पता होगा। इसके अलावा होता है गगन, ठीक है, गगन, नव, आसमान तो मैंने बोला, व्योम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो व्योम। इसके अलावा अंबर, ठीक है, धौ, अंतरिक्ष, अनंत, आकाश अनंत है इसीलिए इसको अनंत के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब यहाँ से पूछा जा सकता है, नव, व्योम, अंबर, धौ, ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। आंख, ये जो आईज हैं जो दिख रही होंगी दो दो, ठीक है, इनको क्या क्या कहते हैं, इनको भी बहुत ज्यादा कहते हैं, नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अग्नि, अंबक, दृष्टि, विलोचन, तो ये सभी के सभी क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द है। मेन जो पूछेगा आपसे क्या क्या, नयन, लोचन, चक्षु, ठीक है, ये तीनों जो है ना बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, नयन, लोचन और चक्षु। इसका मतलब ये नहीं कि इन सबको छोड़ दे, ऐसा नहीं, पढ़ना सब है, बट मेनली ये तीनों तो कैसे भी याद रखना होगा आपको, इनमें से एक भी छोड़ना नहीं होगा, ठीक है, तो आपको इन सब पे जरा फोकस करना होगा। बाकी इस क्लास में आपको इतना ही रहने देते हैं, और अगली क्लास से, बस ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का था, अगली क्लास से 100-150 कम से कम देंगे आपको, ताकि आपको जल्दी जल्दी याद करो, बट जल्दी जल्दी इसका मतलब नहीं है ना,
कि आगे से पढ़ेंगे पीछे से खाते जाएंगे, मिनिमम 10-20 ही याद करो एक दिन में पर्यायवाची, ठीक है तो बेटर रहेगा। पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द एक दिन में 100-100 भी दूं आपको तो ठीक है, कम से कम 500-600 करा दे रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाने लायक है, उसके अलावा कहीं से पूछे जाने की 90% चीजें यहीं से पूछेगी, 10% तो गारंटी नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। तो बाकी आप तैयारी रहो, मैथ वगैरह सब कुछ होगा, बस बने रहो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा ज्यादा, जितने लोग जुड़ते जाएंगे हम और भी टीचर्स जोड़ते जाएंगे, ठीक है। बस एक बार अपना सपोर्ट दिखाओ, फिर मैं अपने तरफ से सपोर्ट दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।